संक्रमण के मामले बढ़कर 153,754 हो गए हैं। वहीं इस महामारी से राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,073 हो गई है। राज्य में सबसे अधिक प्रभावित जिले कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना है, लेकिन इन 5 जिलों के मुकाबले पश्चिम बर्धवान में काफी कम मामले हैं। यहां कोरोना से कम मौतें भी हुई है। पश्चिम बर्धवान में आसनसोल, रानीगंज, कुलटी, दुर्गापुर जैसे घनी आबादी वाले शहर आते हैं। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार रात जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिम बर्धवान में अभी कोरोना संक्रमण के कुल 3,425 मामले आ चुके हैं। शुक्रवार की रात तक इनमें 84 नए मामले जुड़े थे। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जिले में अभी तक कोरोना से 27 लोग मर चुके हैं। फिलहाल 871 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,527 मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको हम यहां बता दें कि आसनसोल व दुर्गापुर से सटे जिले पूर्व बर्धवान, वीरभूम, पुरुलिया और बांकुड़ा में पश्चिम बर्धवान के मुकाबले कोरोना संक्रमण के मामले कम हैं। पश्चिम बर्धवान में आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, कुलटी, बड़ाकर, अंडाल, जामुड़िया व चितरंजन जैसे घनी आबादी वाले बड़े से लेकर छोटे शहर आते हैं। बहरहाल कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना व हुगली जिले में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। कोलकाता में तो सबसे अधिक 38,815 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 1,249 मरीजों की मौत हो चुकी है। इन जिलों की घनी आबादी और कोरोना काल में भी लोगों के ज्यादा आने जाने से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले भी कोरोना से खासे प्रभावित हो रहे हैं।